स्टूडेंट्स कैसे आप सब। मैं देखे हाई स्कूल के जो स्टूडेंट्स थे उसके लिए ये मैथ पढ़ा रहा था। यहाँ पे देख सकते हैं 4.1 चल रही है और नेक्स्ट क्वेश्चन था 7th। इसमें भी यही बताना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे जो ये इक्वेशन दी है x प्लस 2 का क्यूब इज इक्वल टू 2x एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये हो गया। अब हमें क्या करना है, इसको बताना है कि क्वाड्रेटिक है या नहीं है। तो मैं इसको सोल्व करता हूँ। यहाँ पे x प्लस 2 का क्यूब है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² b प्लस के 3ab² ये इसका फॉर्मूला है। यहाँ पे इसको अप्लाई करेंगे और इसको भी सोल्व करते चलेंगे साथ में। देखते हैं यहाँ पे यह आ जाएगा a की जगह x का क्यूब, b की वैल्यू है 2 का क्यूब प्लस 3, a की वैल्यू कितनी है x का स्क्वायर, b की वैल्यू कितनी है 2 प्लस 3 इंटू a की वैल्यू x, b की वैल्यू कितनी है 2 का स्क्वायर। ये तो लग गया है यहाँ पे। अब करते हैं इसकी मल्टीप्लिकेशन, इसमें करेंगे आप 2x का क्यूब मतलब एक पावर, ये यहाँ पे क्या आओ 2 × 2 x की पावर 3 माइनस के 2x। अब इसे इधर ले आओ उठा करके, ये हो जाएगा x का क्यूब, 2 का क्यूब कितना होता है 8, 3 × 2 = 6x², ये देखो यहाँ प्लस 3 है, ये 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 की मल्टीप्लिकेशन इसमें 12 आ गया, यहाँ पे आ गया x, ये इधर आ करके माइनस में 2x³ और वो माइनस है तो प्लस इज इक्वल टू 0, ये आ गया। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये माइनस के 2x³ है, प्लस का 1x³, तो माइनस के x³ ये आ गया। यहाँ पे x² है आपका, ये 12x है, ये 2x, 6x² तो हम एज इट इज यहीं पे उतार देंगे, 12 ये रहा 2 ये रहा, तो 12 और 2 कितना होता है 14x। फिर उसके बाद ये बचा हमारे पास 8, तो हम 8 को यहीं पे लिख लेते हैं बराबर 0। आप देख सकते हो कि जो पावर है मैक्सिमम पावर 3 है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, क्यूबिक इक्वेशन है। तो क्वाड्रेटिक नहीं है तो इसका मतलब क्या है कि अगर यहाँ पे x की पावर 2 होता मैक्सिमम तो ये क्वाड्रेटिक है होती, लेकिन अब नहीं है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं। क्वेश्चन ये है x³ − 4x² − x + 1, फिर x − 2³। अब हम क्या करते हैं इसको, तो एज इट इज रख लेते हैं यहाँ पे माइनस के 4x² − x + 1 बराबर, ये a माइनस बी का फॉर्मूला है। इसको मैं आपको यहाँ पे बता दूँ क्या होता है, a माइनस बी का क्यूब बराबर होगा a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² b प्लस 3ab² बस लास्ट का क्या हो जाएगा 3ab² हो जाएगा। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं इसको सोल्व करते हैं। ये a माइनस बी वाला फॉर्मूला आप इसमें स्क्रीनशॉट ले सकते हो और मैं इसको मिटा करके करता हूँ। देखो यहाँ पे a माइनस बी का होल क्यूब कैसे होता, a की जगह x का क्यूब माइनस 2 का क्यूब माइनस 3, a की वैल्यू कितनी है x का स्क्वायर इंटू b की वैल्यू कितनी है 2, फिर उसके बाद प्लस 3 इंटू a की वैल्यू x इंटू 2 का स्क्वायर, वो प्लस में आनी है वहाँ पे। तो अब हम इसको करते हैं, देखना यहाँ पे x³ एज इट इज उतार लिया 4x² − x + 1 ये एज इट इज उतर गया। वहाँ से अब वो उतारेंगे x का क्यूब, इसको हम सोल्व कर लेते हैं, 2 का क्यूब होता है 8 माइनस 3 × 2 = 6 6x² ये आगे आगे 3 ये रहा 2 × 4 यानी कि जो आ रहा है 3 यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 3 एज इट इज इंटू x 2 × 4 ये आ गया लास्ट वाला। फिर उसके बाद हम इसको कर रहे हैं, देखो यहाँ से x³ से तो x³ कट गया, मैं यहाँ पे 4x² − x + 1 इज इक्वल टू −8 − 6² 3 × 4 = 12x ठीक है, ये आ गया। अब इसे इधर ले आओ, माइनस के 4x² − x + 1 प्लस के 8 हो जाएंगे इधर आ करके, ये भी प्लस का हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस इज इक्वल टू 0, ये हो गया। अब हम क्या करते हैं, देखो x² वाला ये रहा ये रहा, 6 ज़्यादा है किससे माइनस वाले से, तो ये कितना बच जाएगा 2x² + 1। देखो 1x रहा 12x रहा माइनस 1x ये रहा, तो कितना हो गया 13x, कितना हो गया ये 13x हो गया यहाँ पे 13x, यानी कि 12 और ये माइनस था ये भी, तो 13x ये 1 रहा 1 ये रहा
ठीक है, तो एट ये रहा, एट और वन कितने होते हैं, नाइन इज इक्वल टू ज़ीरो, और कुछ नहीं बचा क्योंकि फोर एक्स स्क्वायर था, ये इसके साथ जुड़ गया था, ये माइनस वन है और ये माइनस ट्वेल्व, तो कितना बचा माइनस के थर्टीन, एट और वन कितना होता है नाइन। तो यहाँ पे देख रहे होंगे इसका कि जो मैक्सिमम पावर है वो है टू, इसलिए क्या है, दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक इक्वेशन। दूसरी चीज हम ये बोल सकते हैं इसका जो फॉर्म है किसकी है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, ये हो गया।